बाकी सामने देखो देखो हमारा ये चैप्टर रह गया ना डेसिमल वाला, तो अब हम अभी अपना नया चैप्टर करेंगे जिसका नाम है डेसिमल। इसमें क्या बेसिक बातें हैं या बेसिक जो भी पॉइंट है वो मैं आप लोगों को क्लियर करूंगी, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम है नहीं। तो इसमें क्या होता है, देखिए जब हमारे पास एक स्केल होता है, आप लोगों के पास जो स्केल होता है इसमें एक जीरो आती है, बीच में आती है ना, किस के बीच में जीरो, तो जीरो के इधर हमारे जो होते हैं वो तो होगा 1 2 3 है ना, ऐसे इधर होता है 1 2 3, लेकिन ये जीरो के इधर है इसलिए ये माइनस में होते हैं, ठीक है, पहले बार से क्लियर बिल्कुल, माइनस ये माइनस में होते हैं, ठीक है। जब हम ऐसे लिखेंगे, मान लीजिए हमने कोई संख्या लिख दी है 2 1 1 5, अगर हम इसके बीच में लगा दें पॉइंट, तो ये पॉइंट कहलाता है हमारा डेसिमल। जब हम किसी भी डिजिट के बीच में पॉइंट जो लगता है वो ही पॉइंट कहलाता है हमारा डेसिमल, ठीक है, यही पॉइंट होता है आपका डेसिमल। अब इसे रीड कैसे करते हैं, डेसिमल वाले डिजिट को हम रीड कैसे करते हैं, देखो अगर हम प्लेस वैल्यू से अगर हम इन लोगों को देखेंगे, अगर इन्हें हम प्लेस वैल्यू से देखेंगे तो प्लेस वैल्यू में हमारा होता है, ये देखिए प्लेस वैल्यू में हम लगाएंगे तो प्लेस वैल्यू में सबसे पहले होता है 1, 10, 100 और फिर 1000 वगैरह ना, इस तरह से चलता है। लेकिन जब प्लेस वैल्यू में इधर होता है वो होता है 10th, वहां पे 1 वगैरह नहीं होता है, 10th और ये होता है 100। जैसे अगर ये आपकी कोई डिजिट है तो ये जो पॉइंट के इधर है, जो आपके पॉइंट में आपके लेफ्ट हैंड की तरफ पड़ता है, देखिए मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ पड़ रहा है, इधर देखो सामने, दोबारा भी कराऊंगी चैप्टर में ऑनलाइन क्लास में आज ही करा लूं। इधर जो हमारी लेफ्ट हैंड में पड़ रहा है इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 और 10, इसे तो लिखेंगे आराम से, लेकिन जो पॉइंट के इधर होता है, जो पॉइंट के इधर होता है जो हमारे राइट हैंड की तरफ होता है, तो उसमें जो पहली डिजिट होती है वो होती है 10 और दूसरी वाली होती है 100, मतलब इसमें जो 1 है वो 10 और जो 5 है वो 100, ठीक है। इनकी बेसिकली वैल्यू कैसी होती है, जैसे 1 के नीचे अगर हम लगा दें 10 का मतलब हो गया 10, 10 का मतलब हो गया 10 और 100 का मतलब हो गया नीचे लिखो 100। अब इसे रीड कैसे करते हैं, इधर वाले को तो हम पढ़ लेंगे 21, ये तो हो जाएगा हमारा 21, 2 1 है तो 21, ये तो हो गया हमारा 21। लेकिन जब पॉइंट लग रहा है इस पॉइंट को भी लिखेंगे, इसमें लिख देंगे हम पॉइंट, उसके बाद जो ये है इसे 15 नहीं पढ़ेंगे, 1 और 5 जो लिखा है इसे 15 नहीं पढ़ना है, इसे हम अलग अलग ही लिखेंगे 21.15। पॉइंट के बाद जो भी लिखा है उसे उसका नंबर टेन से पढ़ना है, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए ये होगा 1 2 3.23 ऐसा होगा, तो इसको हम क्या लिखते हैं 123 पॉइंट भी लिखना है और उसके बाद 23 नहीं 2 3, क्या लिखेंगे 2 3, पॉइंट के बाद जो आएगा वो अलग अलग लिखा जाएगा, ठीक है, चाहे कितने पढ़ाओ 7 लगा दो 5 लगा दो तो ऐसे ही लिखा रहेगा 2 3 7 5, ठीक है 2 3 7 5, ये तो हो गया डेसिमल की ये बात है कि हम इसे प्लेस वैल्यू में कैसे लिखते हैं और इसका नंबर नेम हम कैसे लिखते हैं। इसका नंबर नेम होगा 123.2375, ठीक है। डेसिमल की दो चीजें आ गई कि डेसिमल में आप नंबर नेम कैसे लिखेंगे प्लस डेसिमल में आपके प्लेस वैल्यू वगैरह का कैसे दिखाएंगे, ठीक है, ये दो बातें तो सबको समझ आ गई डेसिमल से रिलेटेड। इसके बाद देखिए इसके बाद है कुछ अब जैसे ये नंबर नेम है, जैसे आपके ये डिजिट है 30.021, इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे 30.021, इसका सही नाम क्या होगा 30
48.61। आप देखिए हमेशा पॉइंट के पहले वालों को पॉइंट के पहले वालों के नीचे लिखना है, ठीक है, ये याद रखना है। पॉइंट के पहले वालों को पॉइंट के पहले वालों के नीचे रखना है, एक बात तो ये याद रखनी है, ठीक है। दूसरी बात क्या याद रखनी है, पॉइंट के इधर वालों को इधर वालों के नीचे रखना है। और ऐसा नहीं है कि 61 है तो आप यहाँ पे 16 लिख दोगे और इसे खाली छोड़ोगे, ऐसा नहीं लिखना, ठीक है। ये अगर मैंने लिखा है तो अगर आप इसको ऐसा लिखेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये गलत है, ये गलत तरीका है लिखने का, क्योंकि पॉइंट के बाद एक दो डिजिट शुरू हुआ है तो यहाँ पे ऐसे लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। इसके लिए आप एडिशनल यहाँ चाहे जीरो लगा सकते हैं ताकि आपको आसानी रहे, यहाँ जीरो लगा के ऐड कर सकते हो, इसे ऐड कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। ये हुआ इस साइड से सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन में भी बहुत याद रखना है, जैसे आपके सब्ट्रैक्शन में ये है 1670 89.05, तो डेसिमल को डेसिमल के नीचे रखेंगे, ठीक है, और सिंपल सब्ट्रैक्ट कर देंगे 10 में से 5/5 6। आपको 76.65 मल्टीप्लाई कैसे करते देखिए, एक तो होती है सिंपल मल्टीप्लाई, तो इसे तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे 7 4 20 है 2 कैरी, 7 3 21 22 एंड 23 आपके पास ये, ठीक है।